हेलो एवरीवन, तारक वेदम सिंह में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर आपके पार्टनर आपको लगता है कि किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपसे कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपसे रिलेशनशिप में आगे मूव फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, स्टेप नहीं ले रहे हैं, कोई उन्हें रोक रहा है, तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो थर्ड पार्टी क्या कोई है उनके लाइफ में, कोई पर्सन है या उनकी फैमिली है या उनका काम है, किस वजह से वो आपकी तरफ स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। तो इस डेक से मैं आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन देखूंगी, एट प्रेजेंट क्या है, इससे हम उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, आपके लिए वो क्या फील करते हैं वो मैं इस डेक से देखूंगी, और साथ ही अपने डेक दूसरे डेक से मैं गाइडेंस लूँगी आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। ओके एंजल्स, प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन। अगर उनके लाइफ में किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिस वजह से वो हमारे व्यूअर्स की तरफ स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, तो प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन, आई नीड टू मोर कार्ड्स। एक बार मैं और शफल करूंगी, अगर कोई और मैसेज आता है तो हम लेंगे। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास थ्री ऑफ पेंटिकल्स। फाइन, तो मैं यहां पे देख पा रही हूं कि जो कार्ड्स आए हैं, पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मून, टेन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, द हाई प्रिस्टेस एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे सभी साइंस हैं। अर्थ साइन है कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, देन हमारे पास है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो सभी साइंस हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड हो सकते हैं या सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, विडो हो सकती हैं। डेफिनेटली कुछ लोगों के पार्टनर इस एनर्जी में हैं। कुछ लोगों की लाइफ में उनकी वाइफ हो सकती हैं। ऑलरेडी आपके पार्टनर अगर मैरिड हैं तो थर्ड पार्टी उनकी वाइफ है। हो सकता है कि आपके साथ उनका रिलेशनशिप रहा हो लेकिन उन्होंने किसी के प्रेशर में आके, फैमिली के प्रेशर में आके आपसे मूव ऑन करके शादी कर ली या इंगेजमेंट कर ली हो। किन्हीं के लाइफ में उनकी मॉम है जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, जिनके इशारों पर एक तरह से कहिए तो वो जो वो चाहती हैं वही वो करते हैं। तो काफ़ी मैनिपुलेटिव हैं अपने नेचर से, क्योंकि भाई डेफिनेटली अगर मॉम है तो उनकी बात तो बच्चे मानेंगे ही। तो यहाँ पे ये एनर्जीज़ मुझे फील हो रही हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी हो उनके लाइफ में, वो खुश नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन है उनके कंधों पर, बहुत बोझ है, ये उनकी करंट सिचुएशन है। काफ़ी ज़्यादा अपने इमोशंस घुट घुट के जी रहे हैं, किसी से कह नहीं रहे हैं, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स सब दबा के रखे हुए हैं, एक बोझ ढो रहे हैं। या तो वो अपने घर के बड़े हो सकते हैं, किसी तरह की जिम्मेदारियां हैं उनके कंधों पे, पूरी परिवार की जिम्मेदारी है उनके कंधों पे। हो सकता है कुछ लोगों के डैड ना हो, कुछ लोगों के
लाइफ में वर्किंग उनके फैमिली में कोई और ना हो उनके सिवा, जिस वजह से उनको अपनी फैमिली को अगर रखना है अपने साथ, उनकी जिम्मेदारी उठानी है, तो डेफिनेटली वो अपने पेरेंट्स की बात सुनेंगे। इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से भी कुछ लोग हो सकता है आपकी तरफ ना बढ़ पाए हों, किसी दबाव में आके शादी किए हों या आगे बढ़े हों किसी और के साथ। अगर वो सिंगल भी हैं तो उनके लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो भी उनके लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा सैड हैं, काफ़ी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स हाइड करते हैं। अगर आपसे बात होती भी होगी तो वो आपसे कुछ भी नहीं बताएंगे, छुपा ले जाएंगे, ठीक है। अपनी लाइफ में वो चाहते हैं कि वो आपकी तरफ बोल्डली स्टेप लें, आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखते हैं, काफ़ी आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। अगर वो आपसे बात कर रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, नज़र आप पे रखे हैं, वो आज भी आपको देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या आपने मूव ऑन कर लिया या आप अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हो, उनको ये आज भी है, आपकी फिक्र आज भी है। यहाँ पे द स्टार का कार्ड है जो बता रहा है कि वो आज भी आपको विश में देखते हैं, आपके लिए विश मांगते हैं, भगवान से आपके लिए प्रे करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो जिस भी सिचुएशन में है वो खुश नहीं है, भगवान पे सरेंडर किया हुआ है। कुछ लोगों के पार्टनर काफ़ी साल से, काफ़ी टाइम से मैं देख पा रही हूँ कि कमिटमेंट देना तो चाहते हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट आपकी तरफ स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत स्लो हैं, बहुत सोच विचार कर रहे हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर बहुत सैड एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं। ये देखिए 9, ये है 10। डेफिनेटली एक गिल्ट है उनके में, अगर वो आपसे बहुत प्यार करते थे लेकिन किसी जिम्मेदारी की वजह से वो आपको छोड़ दिए, आपसे किसी और के साथ मूव ऑन करना पड़ा उनको, तो डेफिनेटली वो खुश नहीं है उस रिलेशनशिप में। रात को उठ उठ के रोते हैं, सोचते हैं, अपने अंदर अपने सारे इमोशंस को दबा के बैठे हैं, लेकिन डेफिनेटली ये बोझ वो कब तक ढोएंगे, आज नहीं कल उनको स्टेप लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के पार्टनर अपनी फैमिली से आपके लिए डिस्कस कर सकते हैं, डेफिनेटली वो आपकी तरफ स्टेप लेने वाले हैं। यहाँ पे 40-50% व्यूअर्स के पार्टनर उनकी तरफ स्टेप ले सकते हैं, किसी तरह की स्ट्रेटजी बना रहे हैं, किसी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आया है द चैरियट। डेफिनेटली पॉजिटिवली आपकी तरफ स्टेप लेना चाहते हैं और डिवाइन टाइमिंग पे लेंगे भी। लक जब उनका साथ देगा, उनकी फैमिली मानेगी, तो वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली विश कर रहे हैं कि बहुत जल्द वो आपकी तरफ स्टेप लें। यहाँ पे वो लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, थोड़े स्लो हैं लेकिन वो स्टेप ले सकते हैं। अगर कोई ऑलरेडी मैरिड है या मदर इश्यूज़ हैं, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि वो अपने फैमिली को कन्विंस करने की बड़ी कोशिश करेंगे। जो मैरिड हैं उनकी नहीं, जो फैमिली जिसमें मॉम इशू है, पेरेंट्स का इशू है, वो लोग अपनी फैमिली से डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई मैरिड है तो डेफिनेटली वो खुश नहीं है, ये तो मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है उनकी काफ़ी फाइट्स हो रही हों, ठीक है, डेफिनेटली उनकी फ़ाइट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये रिवर्स में आया है। हैप्पी फैमिली कार्ड है ये, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस दिखाता है, हैप्पीनेस दिखाता है, लेकिन ये रिवर्स में है। डेफिनेटली वो अपने पार्टनर के साथ खुश तो नहीं है, काफ़ी फ़ाइट्स हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन वो इस बोझ को ढोने के सिवा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। भले वो रात को सो ना पाएँ लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, चुप रहने के सिवा, अपने इमोशंस को छुपाने के सिवा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। जिनके पार्टनर के लाइफ में पेरेंट्स का इशू है, वो स्टेप ले सकते हैं, डेफिनेटली वो आपके साथ न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी तरफ बोल्डली एक्शन ले सकते हैं, आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग पे काफ़ी लोगों के लाइफ में उनका रियूनियन होगा, मैसेज कॉल आने का चांस है, बोल्डली स्टेप ले सकते हैं, न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, उनकी भी विश है आप, ठीक है, आपकी तरफ पॉजिटिवली स्टेप ले सकते हैं। सो ये थी उनकी करंट सिचुएशन। अब मैं देखती हूँ कि वो आपको लेकर क्या फील करते हैं, आपको लेके उनके मन में क्या फीलिंग है। ओके एंजल्स प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूअर्स के
लिए उनके मन में क्या फीलिंग है, उनके पार्टनर्स क्या सोचते हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके पार्टनर क्या सोचते हैं, क्या है सिचुएशन, आई नीड टू मोर कार्ड्स, मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके मन में क्या सिचुएशन है, क्या सोचते हैं, बॉटम से हमारे पास है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, एंजल ऑफ लव, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, इनडिसाइसिव, इनडिसिजन। देखिए सीधी बात है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको एक एंजल की तरह लव करते हैं, आप उनकी लाइफ में आपने उनको बहुत प्यार दिया है, बहुत केयर की है, अपना सब कुछ आपने उनको दिया है, डेडिकेट रहे हैं आप उनके तरफ, लॉयल रहे हैं आप उनकी तरफ, और उनके मन में भी यही फीलिंग है। आपको लेकर वो क्या सोचते हैं, डेफिनेटली आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत पैशनेट हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, आज भी आपके बारे में सोचते हैं। अगर वो मूव ऑन कर चुके हैं किसी थर्ड पार्टी के साथ, या अगर वो सिंगल भी हैं लेकिन पेरेंट्स के डर से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, या किसी काम के प्रेशर की वजह से वो आपको समय नहीं दे पा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपको लेकर ये सोचते हैं। काफ़ी लोगों के लाइफ में हीलिंग चल रही है, उनके पार्टनर अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने चक्रास पे काम कर रहे हैं, आपके साथ हैप्पीनेस देखते हैं, आपके साथ उनकी एक पीसफुल लाइफ देखते हैं, आपके साथ ही वो खुश रह सकते हैं। कुछ लोगों के लाइफ में उनके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिसीजन में हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि वो क्या करें, कैसे बाहर निकलें उस बोझ से, कैसे उन जिम्मेदारियों को भी देखें और आपको भी मैनेज करें, बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशन में, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, अपने अंदर झांक रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं खुद के लिए, ताकि वो डिसाइड कर सकें कि कैसे सब कुछ बैलेंस किया जाए, स्ट्रेटजी बना रहे हैं। वो जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, मैंने टैरो से भी बोला था कि फैमिली के साथ प्लानिंग हो रही है, बेस तैयार हो रहा है, डेफिनेटली कुछ लोगों के पार्टनर बहुत जल्द उनके लाइफ में आएंगे, राइट डिसीजन लेंगे, डेफिनेटली राइट डिसीजन लेंगे, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, होप नहीं छोड़ी है, डेफिनेटली राइट डायरेक्शन में वो डिसीजन लेंगे, अपने उनका विजन क्लियर हो रहा है। अगर उन्होंने पास्ट में कोई गलती की है, कोई गलत स्टेप लिया है, तो डेफिनेटली उनका दिमाग काम कर रहा है, उनकी बुद्धि पे जो पर्दा पड़ा था वो अब खुल रहा है, उनको पता है कि आप एक खूबसूरत गार्डन थे, आपके दिल की चाबी उनके पास है, लेकिन उन्होंने आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया, जो कि बहुत बड़ी गलती की। अब उनको इस बात का एहसास हो रहा है, डेफिनेटली वो आपको छोड़कर मूव ऑन किए, उन्हें लगा कि वो जहाँ भी जाएंगे वो खुश रहेंगे, आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में, लेकिन डेफिनेटली आपके प्यार ने उनको रोक के रखा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी है, जो आप थे, वो उसे अब जाके देख रहे हैं, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी अगर लेनी है तो उनको स्टेप लेना होगा, इस जर्नी में उनको स्टेप लेने की ज़रूरत है। कई लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट एनर्जी में हो सकते हैं। सो ये है करंट सिचुएशन आपको लेकर उनके दिल में, ठीक है। अब मैं देखती हूँ नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा। ओके एंजल्स प्लीज गाइड, मेरे व्यूअर्स की तरफ वो आने वाले समय में क्या एक्शन ले सकते हैं, प्लीज़ गाइड करें। आई नीड 5 कार्ड्स, कब तक ले सकते हैं और क्या एक्शन ले सकते हैं, कब तक लेंगे और क्या एक्शन लेंगे। आई नीड 5 कार्ड्स, कब तक लेंगे और क्या एक्शन लेंगे। थ्री मोर कार्ड्स, कब तक लेंगे और क्या एक्शन लेंगे।
वन मोर कार्ड, कब तक लेंगे और क्या एक्शन लेंगे प्लीज़ गाइड करें। बॉटम से हमारे पास है पैशन इग्नाइट, आपको लेकर ये फीलिंग है उनकी, वो आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अंदर तक वो एनर्जी फील करते हैं आपकी। डेफिनेटली आप उनके लाइफ में उनकी हैप्पीनेस हो। पहला ही कार्ड इतना खूबसूरत आया है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, अवेयरनेस, फर्म फाउंडेशन, न्यू बिगनिंग, मेमोरीज ऑफ लव। डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी नहीं है, जो भी है उसके साथ कोई मतलब ही नहीं है ऐसे रिलेशनशिप का। अगर आप अपने पार्टनर के साथ खुश ही नहीं है, तो आप जब खुद ही खुश नहीं है तो आप दूसरे को क्या खुशी दोगे। तो ऐसे रिलेशनशिप में बंधना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आप किसी और से प्यार करते हो, किसी और को आपने कमिटमेंट दिया और उसके बाद आप किसी और के साथ किसी के प्रेशर में, पहली बात तो प्रेशर देना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर प्रेशर में आपने शादी कर ली, तो उससे बड़ी बेवकूफ़ी मेरी नज़र में कुछ और नहीं है। लेकिन अगर किसी ने ऐसी बेवकूफ़ी की या करने वाले हैं आने वाले समय में, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि ऐसा ना करें, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन का कार्ड बहुत ही खूबसूरत आया है, एक भी कार्ड ऐसा नहीं है, मैं क्या बोलूँ अभी, आप खुद ही देख सकते हैं। वो आपसे इतना प्यार करते हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, आपको लेकर टैरो से भी आया था 10 स्टार, वो आज भी आपके लिए विश मांगते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी विश आप हो, आप उनके लाइफ में उनको मिल जाओ, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, आपके साथ स्टेबल फाउंडेशन देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं, आप ही उनको खुश रख सकते हो, आपके साथ फैमिली देखते हैं, बच्चे देखते हैं, आपके साथ हैप्पीनेस देखते हैं, ठीक है। अवेयरनेस, डेफिनेटली उनको सब पता है कि आपके साथ उनका क्या रिलेशनशिप था, उन्होंने कितनी बड़ी गलती की, आज भी वो आपको इतना इमेजिन कर रहे हैं, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप उनके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हो। यहाँ पे आपके लिए 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है एंड 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है। जो भी लोग ये रीडिंग देखेंगे, 9 आवर्स 9 डेज 9 वीक्स 9 मंथ, 9 आवर्स 9 डेज 9 वीक्स 9 मंथ्स, मोस्टली मैं वीक्स तक ही लेती हूँ। तो 9 वीक्स के अंदर नियर अप्रॉक्स 9 वीक्स इन द सेंस 2-3 मंथ्स के बीच में आपके लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतरीन होने वाला है, डेफिनेटली। अवेयरनेस का कार्ड आया है विथ प्रॉस्पेरिटी, आपके लाइफ में एक न्यू स्टेबिलिटी आएगी, आपको वो ऑफर करेंगे, कमिटमेंट देंगे। जो लोग इन कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, उनको तो 100% मुझे लग रहा है कमिटमेंट मिलेगी। फर्म फाउंडेशन का कार्ड आया है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा केयरिंग हो रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कहीं मूव ऑन ना कर जाओ, बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आपको लेके, आपको खोने से डर रहे हैं, आपके साथ एक फर्म फाउंडेशन चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर अगर ऑलरेडी मैरिड हैं या किसी अफेयर में हैं, तो उनको अब एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या गलती की है, वो आपके साथ वापस से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे चांसेस हैं। मेमोरीज ऑफ लव, डेफिनेटली आपके साथ उन्होंने जो भी टाइम स्पेंड किया है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, आपके साथ उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इस तरह की भी उनकी दिमाग में एक बत्ती जली है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, आपको उन्होंने खो दिया किसी और की वजह से, या पेरेंट्स के बोलने पर अगर वो स्टेप बैक कर लिए, तो वो अब आपकी तरफ स्टेप लेना चाहते हैं, आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं, डेफिनेटली, ठीक है। सो यहाँ पे मैं गाइडेंस लूँगी आपके लिए, देखती हूँ क्या गाइडेंस मिलती है। मेरे व्यूवर्स के लिए 2 कार्ड्स दीजिए, क्या गाइडेंस है। 2 कार्ड्स मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। ओके, 1 कार्ड आ गया, सेटिस्फैक्शन। यू लेट द एनर्जी ऑफ लव गाइड यू टू सेल्फ अप्रूवल सो दैट अदर्स नो लॉन्गर डिफाइन हु यू आर।
आपको अपने प्यार पे अपने ऊपर सेटिस्फैक्शन रखना है। आपने उनको केयर किया, आपने उनको अपना समय दिया, आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आप सेटिस्फाई हो। डेफिनेटली अगर आप खुश हो तो आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करोगे। एक्शन, यू हैव द करेज टू एक्सप्रेस द यूनिक लविंग कलर्स ऑफ योर सोल। यहाँ पे एक्शन एंड सेटिस्फैक्शन का कार्ड आया है आपके लिए। डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ अच्छा आप एक्शन लोगे या फिर आपके पार्टनर आपकी तरफ ले सकते हैं। जो भी होगा सब बेहतरीन होगा, रिजल्ट आपको सेटिस्फाई करेगा। ओके, पीसफुल रिजोल्यूशन पहला कार्ड आया है। अगर आपके बीच में किसी तरह का झगड़ा लड़ाई हुआ है जिस वजह से आपकी बातचीत बंद है, या आपके पार्टनर आपको शो कर रहे हैं कि चलो मैं मूव ऑन कर जाऊंगा, तो आप एक बीच का रास्ता निकालिए, झगड़ा लड़ाई सॉल्व करिए। इम्प्रूविंग हेल्थ, हो सकता है कुछ लोगों की हेल्थ खराब हो, किसी की फैमिली में किसी की हेल्थ खराब हो, तो वो इम्प्रूव होगी। अनलाइकली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए है कि अभी उनको और इंतज़ार करना पड़ सकता है। वो जब एक्सपेक्ट करना छोड़ देंगे तब उनकी लाइफ में कुछ मैजिकल होगा। जब आप बिल्कुल एक्सपेक्टेशन छोड़ देंगे, यार अब कुछ नहीं हो सकता, तब आपके लाइफ में कुछ ऐसा होगा जो आप चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। नो नीड टू वरी, आपको इंतज़ार करने की या परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। आप चिंता छोड़ दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। लुक फॉर अ साइन, हो सकता है कुछ लोगों को साइंस, कोई सिंबल्स, कोई सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हो, तो आपको उन साइंस की मीनिंग आप गूगल भी कर सकते हैं। गूगल पे हर चीज़ का जवाब है। आपके लाइफ में जो भी साइंस, जो भी सिंक्रोनिसिटी, जो भी एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं। ओके, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, वर्क थ्रू योर फियर्स। आपको अपने डर पे काम करना है, हमेशा डर के नहीं रहना है। क्या होगा, मेरे पार्टनर नहीं आएंगे तो क्या होगा, अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर वो हो गया, नेगेटिव नहीं सोचना है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अपने पास्ट में जो भी आपने देखा है, बीता है, झेला है, हर्ट हुए हैं, उसको बार बार रिपीट ना करिए, क्योंकि आप जितना नेगेटिविटी को रिपीट करेंगे आप उतनी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव चीज़ों को। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं वो सोचिए, ताकि आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकें। सो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल टैरोट विद एम सिंह को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।